तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई आपकी, अपना काम भी तो है उंगली का ना। तो ये वो ब्रांड है जिसका बी साइलेंट है। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां मुझे खूब सारी रोड पे ही पड़ा हो चुकी है, बहुत सारी बकचोदी विदाउट एनी ब्रेक्स, बिना रुकावट के मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ, देख रहे हमारी वीडियो यू ही और दिखाते रहिए प्यार कमेंट्स में जैसे आप दिखा रहे हैं भर भर के, और बने रहिए हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ एक नया इंसान बैठा है, नया गया पुराना है, फिर से समय मिला है तो आज बैठा हमारे साथ मिस्टर टकले। इनके बाल आ गए हैं, आप इनके बाल आने लगे हैं, पुराने हो गए यार, कितनी वीडियो में तो आ चुके हैं बाल, बाल आ रहे धीरे धीरे और जा भी रहे हैं धीरे धीरे। यस, तो आज क्या लाए हैं? आज हम लोग अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों के लिए हम लोग लाए हैं एनिमे पंचा का इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस बाय टोक्यो। सीधा टोक्यो से ही काम करवाई है इसने। ये टोक्यो कौन सी वाली है? टोक्यो ड्रिफ्ट वाली तो नहीं है ये, मनी हाइस वाली, मनी हाइस वाली भी नहीं है, ये टोक्यो वाली है। तो फिर स्टार्ट करें, शुरू करते हैं फिर। You know, when I made a choice to start singing, it was because of something that my father had told me, which was, you know, there's no rapper out there that sings and raps and does it well, does both things well. And he's like, in order to be successful, you're gonna need something other than just what everyone else is doing. 10 saal se relevant, sambhala pura game. 10 saal. इसमें क्या दिखाना चाह रहा है, ये हर इन सब चीजों से अलग है, मतलब ये सब चीजें वो है एक तरीके का रुकावट और ये इंडिपेंडेंट है, ये सब चीजें मतलब ये इंडिपेंडेंट को बड़ा रखा है, बाकी तो छोटा रखा है, तो मतलब इन सब चीजों से ऊपर इंडिया एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, ये तुम कह रहे हो ऐसा दिखाना चाह रहे हो? लग तो ऐसे ही रहा, ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है क्या? इसने लेवल का काम नहीं किया, लेवल का काम किया क्यों नहीं है इसने? शुक्र, और सलमान खान के बिग बॉस में भी चढ़ाई किया था, जाके किया तो था इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? वही तो, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि जो सिर्फ अपने काम से पैसा कमा रहा है, कहीं पे किसी के प्रमोशन का जरिया नहीं बन रहा कि हाँ मेरा फेस कर लो, प्रमोट कर लो मेरे को लेके और पैसा दे दो, तो वो भी तो एक तरीके से तू दूसरे पे जाके रिलाय कर रहा हो ना अपने पैसे कमाने के जरिए भी। और क्या, ये मतलब सारे आर्टिस्ट यही कहते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट टू लेवल के चले बात करवा के सब आते हैं पीछे, इसी बकचोदिया लोग दोहरा बना है। तो इसमें मुझे ये बताओ, इसमें इसने ये सब लिखा है जैसे कि मिक्स मास्टरिंग जैसे हम लोग अपने गाने में करते हैं, फिर पोस्टर डिजाइन करना, तो मेकअप आर्टिस्ट जो हम लोग नहीं यूज करते, ये करता होगा, ठीक है ये करता होगा, जरूरत भी है ना इसको तो, बहुत जरूरत है। तो भाई ये सब चीजें अगर एक आदमी अलग अलग कर ले रहा है तो गलत क्या है? कोई गलत नहीं है, है ना, सही है, और अकेले कर ले रहा है तो भी अच्छी बात है, मगर जूते खाली रखते हैं, हां कोई लेवल नहीं, हां इनमें कोई लेवल नहीं है, ठीक है, तो ये भी तो अपनी पूरी टीम के साथ ये सब काम करवाते हैं, अकेले करता है क्या ये? अकेले तो कर ही नहीं सकता ना भाई। हाँ, तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होंगे तो थोड़ी तक वो इन लोगों की मदद नहीं लेगा, बिल्कुल लेने की जरूरत ही है भाई, वो किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहा है इतना ज्यादा। अब ये बताओ, अब ये डायरेक्टर पीछे सब लिखे ना, तो एक वीडियो का डायरेक्टर तो होगा ना इसकी भी वीडियो, और यही करता है। ये बता कुछ नहीं, इसने अपने जूते को फ्लेक्स करना था वो कर दी था, इतने सारे जूते खरीदा है यही दिखाना चाह रहा है बस। अच्छा चलो गाना सुनो, चलो आगे सुनते हैं। 10 में से 10 पूरा 10 साल शुरू हुआ 11 भिड़ने आया छोटे 12 13 मेरा करना मैंने छोड़ा जब था 15 कुछ भी नहीं जम रहा 16 जवाब देने लगा मेरे साथ रहा बुरे आदतें जो लाइफ से अब हट रहा 19 पे अब 20s में 21 मिली BKP जियो गार्डन कॉन्सर्ट मतलब जाम पूरा BKC कुछ गाने न्यूक्लियर तो कुछ गाने TNT तू जिसके पीछे उसके लिए फोन है मेरा ऑन DND DMB चेक नहीं करता आजकल। ये इतने खुले में आके कह रहा है कि इसके गाने TNT बम टाइप के हैं, तो इसके साथ व्यवहार भी वैसा होना चाहिए ना जो एक TNT और बम फोड़ने वाले के साथ होता है। इसकी तो मैया चौंते ही चाहिए मेरे को, खड़े होके BKP के साथ BKC हो जाए, क्या करना चाहोगे तुम? जरूर बोल जाती है, सीधा घोषित कर देगा BKL BKL
मैं दिमाग मेरा शांत लगता जैसे हूँ हिमाचल में। खुदा की बात सुनता इकलौता रैपर मैं, मुझे जन्नत मिला यहाँ इसलिए खारा नहीं हूँ एप्पल में। हाय ओके लाइफ में स्किप कर रहा था लोस, बदला पर्सपेक्टिव और एंटर किया नया जोन। शिफ्ट करा माइंडसेट अब खुद पे कंट्रोल, अल्टरनेट ऑप्शन सीधा डिलीट मार दे ब्रो। बताओ क्यों वी आर द यंग गोट इस सीन में, क्योंकि असलर मेरे अबू ऊंची जीन्स में। थोड़ा कामयाबी हासिल तो बंदे करते टॉक, पोजीशन नंबर वन बंद कर दिया मैंने नंबर लॉक। नंबर वन करके मैंने किया लॉक। तो साहब एक डिसाइड कौन करता है नंबर वन पे कौन है? ये तो जिसको जिसको मिर्गी आती है वो लोग कह सकते हैं तो एक ही वो नंबर वन है। हर इंसान आगे बोल दे रहा है रैपर नंबर वन, रैपर नंबर वन। तो क्या हो रहा है तो भाई? ये हनी सिंह के साथ काम करना स्टार्ट किया है, दोनों का एक ही रंडी होना था जो आज तक ये लोग कर नहीं पाए, बट हमेशा गाते रहेंगे। ये दो गौड़ी के ठंडाई पिला रहे हैं, दो दिन उठाएंगे नहीं है। इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल ये कोई होक्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं। LOL बातें तेरी लेकिन ये कोई जोक नहीं, जो खुले आम आके बोले लोग फैला रहे होक्स। भाई बाबू सुन क्या बोला तू, कुछ आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने को इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल का फैलाया अफवाह, ये अफवाह नहीं है, तूने किया वो करा मैं खुद की मर्जी के मालिक हम लेबल से हमने तनी तंखवा। तुषार भाई तू स्मार्ट बन, साइनों के लाला तेरे हो गए ले आग बंद, बना तो बाप बन सारे सारा स्मार्ट बन। क्या बोल रहा सोच के बोल, थोड़ा कर दे बात बंद, चार जन आएंगे मिलाने तुझसे हाथ, जब तू पहुंचेगा टॉप फिर बनेंगे तेरे वो बाप। मुझे तो कहना ये बात था कि हाथ मिला के चलने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाथ मिलाते वक्त पेपर पे तेरी बात नहीं है तो फिर साइन नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज करके साइन नहीं करना, लोगों को सही ज्ञान दे बे, इंडिपेंडेंट और लेबल की बातें कंबाइन नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा हर फैमिली में मालूम नहीं तेरे को सब अलग से चलती है, अलग से चलना ही पड़ता है, पूरी फैमिली बेटा उसी से जलती है। उसे नहीं फर्क खुद करा बिलीव, उसे बस खुदा और खुद पे बिलीव, उसे देखा के ना करा अचीव, उसे देख दिखेगा नहीं पे बदीर। अकड़ है अकड़ है छोटे ये अकड़ नहीं पकड़ है, पैसे लगा के बढ़ाएंगे स्ट्रीम इस बट्टा से फिर कहे का टक्कर है। सारा इतसाल से इतसार है आपसे पता नहीं पा रहे मुझे पा रहे, कॉम्पिटिशन कोई नहीं मेरे सामने, ड्रामे नहीं करे मुझे काम है, बुरा लगेगा दूजे मैं पे लाइक कूल जब भी बोले बाहर गाओ के। कैसा डिफरेंट है वाइब जब भी तू घुसता है बूथ, मैं कहता बंटा है और एमीवे मेरे दो दो है रूप, बोल से ये स्मोक तो मैं स्नूप, हर गाना बस तो ऑन लूप, एनबीए स्टार फॉरएवर हर गाना बोले तो हुप। हम वन साइड इंडस्ट्री में बिना कोई हैंडशेक्स, इस शेख के पास बॉलीवुड खानों के जैसा फैन बेस। जाते जाते एक बात और बोलूंगा, एक महान पुरुष ने एक बात बोली थी, तुम्हें अगर किस चीज के बारे में मालूम बात नहीं है तो उस चीज की और बात मत करो, और वो महान पुरुष मई चू। मालूम है ना। अभी वो क्यों है वो भी मैं दिखाऊंगा इसके बाद। तो एक इंटरव्यू आया था ठीक है, उसमें उसने ये बोला था कि ये इंडिपेंडेंट होना एक होप समझने चुकी आपका है, जो लोग बनाते हैं आप किसी के अंडर भी साइन होके सेम तरीके से रह सकते हो, सेम तरीके से एंजॉय कर सकते हो, अपना काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने से ही तुम्हारा नाम है या तुम ज्यादा कमा पा रहे हो ज्यादा मजे ले पा रहे हो, ऐसा नहीं है। उसने ये बोला था सही बात, तो उसने ये बोला था कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एक फोक्स है, उसके बिना भी काम चल जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में आए हो तो तुम अपने को ही हाई से रख के काम चलाओ, तुम किसी के अंडर काम करके भी अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जी सकते हो आर्टिस्ट के लिए, बॉलीवुड वालों के लिए नहीं है ठीक है, सिर्फ इन आर्टिस्ट के लिए है। तो उस पे इसने ये स्ट्रैक निकाला है जो फास्ट हुआ स्टार्ट किया, ये है वो है। तो भाई तो इस तरीके से तो इसका ये कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं सब ग्रांड हो रहे हैं, पूरा इसने एक तरीके से सबसे बड़ा इकोनॉमी में जिसका हाथ है उस इंसान सारे लोगों को इसने लौड़े में रख दिया। पकौड़े लगा बेचो सब लोग, तो मतलब पकौड़े सब बेचेंगे तो खाने के लिए पैसा किसके पास आएगा पकौड़े? लेकिन बात अगर इंडिपेंडेंट की हो रही है तो इंडिपेंडेंट ये भी नहीं है गुलाम, तो ये भी व्यूअर्स का है ना। ऐसे अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री का तो गुलाम ये भी, यूट्यूब अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता
तो ये कहाँ गाने ड्रॉप करता आपने? एक इंडिपेंडेंट ओपन प्लेटफॉर्म मिला इसको, बट उस पर भी तो उनकी यूट्यूब की गाइडलाइंस हमें चलती है ना। अगर यूट्यूब अपनी गाइडलाइंस नहीं रखेगा, जैसा वो चाहेगा वैसा ही नहीं करेगा, तो म्यूजिक कट जाएगा तुरंत, गान मरा जाएगा। दो लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, बॉलीवुड मूवी क्रिएटर और हर्ष देने वाले लोग, तो डिफरेंट चीज हो गया कोलैबोरेशन। बट इंडिपेंडेंट तो जो चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे वो चीज नहीं हो पा रही थी। इसने बोला कि यूट्यूब भी तो एक प्लेटफॉर्म है, तो भाई इतना सारा टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर तुमने ओके किया है, तभी तुम वहाँ पे अपना करियर बना पा रहे। सही बात है, तुम आज गिर के दिखा दो तुम्हारा ना बुजड़ के सभी मोनेटाइजेशन बंद हो जाए, फिर रेंडिंग होना बचाते हैं, इंस्टाग्राम चाहते हैं, भरोसा मांग देगी भैया बचा लो। चलो वो सब तो ठीक है, इसने अगर अप्लाई किया तो मतलब नहीं, किन ने भी जो बोला ठीक है भाई, अपना पैसा तो वो कमाना है, जहाँ से मिलेगा वहाँ तुम काम करोगे, और काम कर रहा किसी ने किसी के लिए टैलेंट है, तुम्हें टैलेंट बेच रहो क्या, यहाँ बेचो। बिल्कुल सही बात है, एट द एंड है क्या, एट द एंड तो वही है ना भाई, कि वो अपनी चीज बतानी है बस। अब तुम कहीं से बताओ यार, अब ये यूट्यूब की जगह ब्लूट्यूब होता तो भी क्या ही पड़ता है यार। तो मेरे को ये बताओ, जैसे ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट रहना बहुत मैंडेटरी चीज है, बहुत अलग चीज है, तो ये उस चीज में अड़चन क्यों डाल रहा है? अपना खुद का एक इसने लेबल खोल दिया है, बीकेसी की बीकेपी से बीकेएल ना, इतना सारा इसने ये सब कर लिया है, तो ये भोसड़ी का उस पर क्यों नहीं अपने बंद कर रहा है, जब इसमें इसको इसी से ज्ञान है तो खुद गलती नहीं कर रहा है। ये तो मुझे पागल से स्टार्टिंग से लगता था, इसकी हरकत है कि लगती पागल वागल टाइप की, ऊपर से इसमें एक सीन आया था तो वही गाड़ी बन रहा था भाई। ये चीज इसने ना एक घुमा फिरा के रेफरेंस देना चाहा है कि जैसे इंडिपेंडेंट होता तो ये खुद गाड़ी चला रहा था, लेबल है करके इसी गाड़ी उसके ऊपर रखी और लेबल ले ही रहा है, सुझा तो रही ना तेरी बता। ये तो वावर स्मार्ट हो गया ना। चलो ठीक है, तो गाने बता दो, गाने बारे बात कर लेते हैं, क्या कैसा रहा, कैसा लगा भाई? मतलब गाना मेरे को ठीक लगा है, बट टॉपिक मेरे को ये उतना रेलेवेंट नहीं लगा जिसपे ये, और इसका ना थोड़ा सा एक जो डिस ये करना चाह रहा था, ये मुझे याद दिलाया सबसे पहला डिस था जो इसका अवतार स्टार्ट हुआ था, उसको थोड़ी इसलिए मेरे को फ्रेशनेस दिला, तो क्या पता इसने टारगेट भी किया इस तरीके से कि किंग का इंडिया रुकना बैठना बहुत अच्छा है, और इस समय वो चल भी बहुत रहा है। जितना इसने कोलैबोरेशन इंटरनेशनल किया है उतना ही उसने भी कर डाला होगा, या उससे ज्यादा बहुत शॉर्ट है, और रिकॉग्निशन भी बहुत मिल गया, बॉलीवुड में भी आ गया है, तो गांड जलती है लोगों की। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये बोला होगी किसी गाने अच्छे, बट जहाँ वो पहुंच रहा है वहां पर पहुंचने के लिए भी बनता है कि पब्लिक को मांग के नाते सिर्फ अपनी मांग करनी पड़ेगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगा इस काम को। मुझे तो बहुत बेकार लगा, मैं आज सुबह दोबारा सुनूंगा भी नहीं गाना, और अगर ये कहीं बज रहा होगा तो मैं उस जगह से जाना, तुम लोगों को ब्लॉक कर दो भैया, तुम लोगों को अपनी जिंदगी से सब नेगेटिव ब्लॉक कर दो, नो कॉन्टैक्ट, थैंक यू। जो पुराना सी मूवी थी रफ्तार के साथ उसमें गाने सुनने में लग रहा था कि अच्छा मजा आ रहा था, हाँ उसमें बढ़िया थे, लेकिन इस टाइम जो इसमें अगर डिस है या है नहीं है जो भी है थोड़े बहुत पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं आई, वरना वो गाना पसंद आया लिखा जो आवाज का गाना फिर दो बॉडी का, तो अगर पॉइंट की बात करूँगा तो मैं स्कोर दूंगा 5 से 1.5 पॉइंट म्यूजिक के लिए भाई, 0.0 भाई, 0 पॉइंट, तो 10 में से 15 में से 1.5 नंबर बनताई पब्लिक बोले तो तकलीफ, तुम लोग को तकलीफ होगा तो 19 का पहाड़ा सुना देना आके कमेंट सेक्शन में, समझ जाएंगे बनताई पब्लिक पड़ी हुई है, बनताई पब्लिक कहाँ सुना पाएगी यार, साले सब झोली से आए हुए लोग, और आज लोगों लग भी रहा था ये कर दो, 2 का टेबल दे दो यार भाई, आज लग भी रहा था ये गाने में वो भी टफ हो जाएगा, 2 का टेबल भाई, अरे अनपढ़ ही हो गया एकदम, मादर चो अनपढ़ नहीं होते तो ऐसे थोड़ी गांठ चाटते इसकी। सही बात है 15 में 1.5 बहुत सीख ले, सही से ढंग से करना, चलो तारा।